ऐसे लोग हमसे बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि उनकी मृत्यु को मैं बचा सकता था, अपने माता की पिता की या किसी रिलेटिव को मैं बचा सकता था अगर मैं कहीं दूसरी जगह पर ले जाता। आज उसको बात सोच सोच कर गिल्ट फीलिंग आती है। देखो, इसका सिंपल सा मेरी तरफ से जो आंसर है, गिल्ट करने से, इस बात को पछतावा करने से कुछ नहीं होगा। इसकी बजाय आप उनके सही रूप से नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए प्रार्थना करें, प्रयास करें। अब जो हो चुका है वो हो चुका है। बहुत सी बातें, मृत्यु तो बहुत हद तक प्री डिसाइडेड होती है कि ऐसे ही होनी होती है, ऐसे ही होनी है, और जैसे होनी है वैसे ही होती है। आप जितने मर्जी एफर्ट लगा लें, चीजों को रोका नहीं जा सकता। अगर ऐसा संभव होता तो संसार में बड़े बड़े लोग कभी मरते ही ना, जिनके पास सब तरह के साधन उपलब्ध हैं, कोई मरते ही ना। दे डिसाइडेड नॉट टू डाई, दे शुड नॉट डाई। पर ऐसा होता है क्या? राम गयो रावण गयो, दाको वड परिवार, कहो नानक थिर कुछ नहीं, सुपने जो संसार। कोई है ही नहीं, कोई टिक ही नहीं सकता। भगवान राम जी जैसे भी चले गए और रावण जैसे भी चले गए, तो बचा तो कोई भी नहीं ना। तो जब सारे ही सबने जाना है, तो उनका समय भी निश्चित है, उनका स्थान भी निश्चित है कि ऐसा होना है। फिर अपने आप को दोष देने का कोई भी मतलब नहीं है। शांत हो जाएं और मन में उनकी आत्मा के कल्याण की प्रार्थना करें। अभी इतना ही किया जा सकता है, बस।